हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज मैं आपके लिए एक रेलवे से जुड़ी हुई न्यूज़ लेकर आया हूँ। ये न्यूज़ किसी के लिए अच्छी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए खराब भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो न्यूज़ रेलवे से आ रही है वो आधार कार्ड लिंक करने से रिलेटेड है। मतलब आप ऑनलाइन टिकट जो है कराने के लिए आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिंक कराना पड़ेगा। तो इससे किन लोगों के लिए ये खुशखबरी है और किन लोगों के लिए बुरी खबर है मैं बताता हूँ। ये उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो समय पे अपना टिकट कराते वक्त उनके लिए टिकट नहीं मिल पाता था, और ये बुरी खबर उन लोगों के लिए है जो एक बार में ही बहुत सारी टिकट ऑनलाइन बुक कर लेते थे और मजबूरी का फायदा उठा के दूसरे लोगों को दे देते थे। आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, आप देख ही रहे होंगे अपने आसपास ये हो ही रहा है। तो ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है जिन्हें जो टिकट नहीं करा पाते थे और टाइम आने पे उन्हें टिकट नहीं मिलता था। मतलब कि जो लोग बहुत सारे टिकट करा लेते थे वो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, उन्हें अपना आधार नंबर देना पड़ेगा। मतलब एक पर्सन एक ही टिकट करा पाएगा जिस पे उसका आधार नंबर होगा। मतलब दो लोगों कराना है तो उन्हें दो आधार नंबर देने पड़ेंगे। चलिए ये तो थी ऑनलाइन टिकट के लिए, और एक दूसरी भी खबर आ रही है जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो ये है कि 1 अप्रैल से ये कंपलसरी हो जाएगा कि सीनियर सिटीजन्स को अपना जो है आधार नंबर लिंक कराना पड़ेगा टिकट लेते समय, ताकि उन्हें जो डिस्काउंट मिलता था वो पा सकें। अभी तो ये मैंडेटरी नहीं है, जो कराना चाहते हैं करा सकते हैं, जो नहीं कराना चाहते वो नहीं करा सकते हैं। लेकिन जो लोग सीनियर सिटीजन्स का बेनिफिट पाना चाहते हैं उन्हें 1 अप्रैल 2017 से ये लिंक कराना ही पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।